अगर लालू जी की पार्टी के तेजस्वी लौटते हैं इस चुनाव में और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप उनसे ज्यादा उम्मीद करते हैं? उनका विश्वास है हम पे नहीं, पूरे विश्व जानता है लालू जी के बारे में। आई बिहार के धरती के जब लोग जाना विश्व में तो लालू जी के टाइम से जान रही है, 90 के टाइम से जान रही है। आज जो यहाँ बिहार के लोग पूरे देश में दुनिया में जो जा रहे हैं वो बुद्ध के नाम से नहीं जाने जाते, बुद्ध जी के नाम से जाने जाते हैं, चंद्रगुप्ता के नाम, पहले तो उन्हीं के नाम, हाँ पहले तो उन्हीं के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसके बाद फिर थोड़ा सा शिथिलता आ गई थी हर चीज में, लोग जो है शिक्षित हो गए। जैसे आपका नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया, तो मैंने गुलाम कर दिया गया, तो गुलाम करने के बाद शिक्षा मर जाने के बाद लोग यहाँ अंधकार हो गया। मतलब आप ये कह रहे हो कि बीच में एक समय ऐसा रहा कि बिहार बिल्कुल पहचाने नहीं जाने देता, हाँ। और फिर लालू जी गौतम बुद्ध और वो जो नालंदा विश्वविद्यालय के बाद जब उसके बाद जो कोई पहचान बनाए बिहार को या जो विकसित दिया वो लालू प्रसाद यादव जी का देन। इसमें मुझे कोई डर बोलने में नहीं है, कोई मैं घुस नहीं लिया हूँ, मुझे कोई ये नहीं, लेकिन सच्चाई दिल की बात बोलने से मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, उसमें मैं से नहीं और लोगों से भी जाके पूछ लिया जाए हर जिला के लोगों में, इसमें कोई डाउट नहीं है। या वो मैं क्या देश विदेश में भी पूछा जाए तो लालू जी क्या ही नाम आता है। जब मैं लालू जी के टाइम में मुझे होश हुआ, मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी थे, मेरे 91 का जन्मतिथि है, उनके टाइम में होश हुआ तो शिक्षा को अच्छा मुझे देखने का मिला। ऐसे तो अंधकार था, पूरा अंधकार, पूरा एकदम जंग, मतलब पूरा था, मतलब इस तरह से लगता है कि जैसे दुनिया मतलब चालू हुआ, जनरेशन चालू हुआ, ज़मीन चालू हुआ, उस तरह का देखने का मिला। तो पढ़ने का मौका मिला, उसके बाद अपना जो काम कर रहा था काम कर, लेकिन अभी के जो अच्छा लग रहा था दूध दही मक्खन मलाई का, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आप कह रहे हो ना अच्छाई का प्रसार और ये उम्मीदें, ये आपका व्यक्तिगत प्रयास है ना, जिसके लिए आपने ये सब चुना है, लेकिन क्या यही अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से लिया जाएगा तो विकास और अच्छाई का प्रसार बढ़ नहीं जाएगा? नहीं, राजनीतिक के भी प्रयास से लिया जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल ने लिया, जब इतना मेरा होश हुआ तो लोग देखते थे कि इतना अनपढ़ थे कि दूसरे गाँव में जाता था लोग चिट्ठी चपाठी पढ़ाने, इस तरह का स्थिति बिहार के थी। लेकिन लालू जी के टाइम में इतना मतलब विद्यालय खुला, लोग जागरूक हुआ, पटना आना जाना या नौकरी हुआ, मतलब बहुत सारे चीज़ में लोग डेवलप यहाँ का मानो हुआ। अच्छा, हमने सुना है कि लालू जी के समय में विद्या की हाल अच्छे नहीं थे, बाद में जब नीतीश जी आए तो फिर शिक्षा का प्रसार हुआ, सड़कें बनी, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जब मैं जन्म लिया था तो इतना सड़कें मतलब मट्टी झिट्टी, मतलब बहुत सारे जगह जो है आदमी अपना पैजामा और कुर्ता और लुगा उठा के लोग जाता था। अभी भी कुछ जगह है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन मास स्थिति जो है हर जगह, और हिंसा रुक गया, जो डेली झड़प होता था हर गांव में, पुलिस पदाधिकारी लोग रोज आती थी, रोज पैसा कमा के जाता था लोग, सही से ये नहीं होता था। आवाज़ जो है प्रशासन में भी आया है और व्यक्ति में भी, लेकिन अभी जो तत्काल जो स्थिति आ चुका है इधर ये सरकार में, जो प्रशासन में भी जो है वही स्थिति पहले ही वाला आ गया, 90 के जो पहले स्थिति है वही स्थिति फिर आ गया है जो, हाँ हर जगह जो है अभी देख लीजिए कि कोरोना, तो मुझे अपना व्यक्तिगत लगता है मैंने गांधी मैदान और पटना में स्टेशन पर खाना खिलाने का काम लोग दिन दुखिया को मैं करता था, लेकिन मुझे तो कोरोना नहीं फील हुआ आज। तो मैं इस चुनाव से कोई उम्मीद है आपको, क्या इस चुनाव में कुछ बदल जाएगा, कुछ नए लोग आएंगे, क्या बेहतर होगा? देखिए, और मैं बताना देना चाहता हूँ, देखिए परिवर्तन होनी चाहिए,